हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू मैथ क्लास। सो यू ऑल आर इन क्लास सेवेंथ नाउ। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर वन, वी नो दैट व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड ओके इन आवर प्रीवियस क्लास। सो व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, विच इज स्टार्ट द नंबर वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक ओके। दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड द बिगेस्ट नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट ओके। सो नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 like that ऐसे करके इनफाइनाइट। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड देर इज नो बिगेस्ट नेचुरल नंबर्स। एनी बिगेस्ट नंबर वी एड विथ 1 दैट वी गेट नेक्स्ट नंबर। सो द नेचुरल नंबर्स स्मॉलेस्ट इज 1 एंड दिस इज इनफाइनाइट ओके। देन व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर मीन्स, होल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर विथ 0, दैट मीन्स स्टार्ट विथ 0, 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट, दिस ऑल्सो इनफाइनाइट। सो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड अप टू इनफाइनाइट एंडलेस ओके। सो अगेन द नंबर्स, द नंबर्स -1, -2, -3, -4 नेगेटिव, ऑल नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4 लाइक दैट आर कॉल्ड व्हाट? नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स ओके। सो अगेन वी राइट होल नंबर 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होता है ये नेचुरल नंबर, 0, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 0 ऐड कर दें तो ये टोटल हो जाएगा हमारा क्या होल नंबर्स। अगेन वी ऐड विथ नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3 ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट ओके। सो दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड द इंटीजर्स टोटल। दैट मीन द 0 इज ऑल्सो ए इंटीजर्स। 0 मीन्स होल नंबर, ऑल होल नंबर्स विथ नेगेटिव नंबर्स टोटल इज कॉल्ड इंटीजर्स ओके। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट इंटीजर्स ओके। सो चिल्ड्रेन, वी नो दैट इंटीजर्स फ्रॉम ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स व्हिच कंटेन्स होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स ओके। सो इंटीजर्स मीन्स होल नंबर एंड नेगेटिव ओके। द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होल नंबर इंटीजर? होल नंबर मीन्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, बट इंटीजर्स मीन्स both whole numbers with negative integers, this is the difference। extra negative integers उनमें add कर देंगे। whole number में क्या होता है? whole number means 0, 1, 2, 3, 4 like that infinity, but integers means whole number भी आएगा 2, 3, 4 ऐसे करके infinite, again -1, -2, -3 इन्फाइनाइट। तो दिस इज द डिफरेंस, एक्स्ट्रा नेगेटिव इंटीजर्स एड हो जाएगा ओके। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट इंटीजर्स, देयर प्रॉपर्टी, देयर ऑपरेशन, ऑल थिंग्स ओके। वी नो दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टीज ओके। सो वी नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज नंबर लाइन, very very important students, number line is, so now look at the number line, so look at here, this is a number line,
नंबर लाइन देखो, ये जो मिडिल पॉइंट इज जीरो। ऑलवेज वी नो दैट द राइट हैंड साइड जीरो, राइट हैंड साइड ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो, बट देयर ऑपोजिट, पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स का नेगेटिव होता है। दैट मीन्स दिस इज राइट हैंड साइड जीरो, राइट हैंड साइड ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑल नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स। वी गेट हियर -1, -2, -3, -4, -5, -6। सो जीरो राइट हैंड साइड ऑल आर असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके, तो ये जो हो रहा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बट उसका ऑपोजिट जो है डिरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। दैट मीन्स -1, -2, -3, -4 लुक एट हियर, दीज आर द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीज ओके मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस वन राइट हैंड साइड इज असेंडिंग ऑर्डर एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर descending order. Okay, this one the number line, middle is zero, zero all numbers are right hand side, all numbers are positive integers and left side numbers are negative integers. Okay, so can you write these mark integers in ascending order? Dekho, the ascending order of these numbers, -5, -1, -3 look at here, this one -5, this point is and -1. So when we compare -1 and -5, which is greater number, -1 and -5, when we compare -5 and -1, which one? So -1 is greatest number, greater than -5. Okay, why did we choose -5 as the smallest number? Because this is descending order. Dekho, -1, -2, so ye descending order mein hai, so obviously -5 is less than -1, less than -2, less than -3, less than -4, but greater than -6. देखो -5 is greater than -6 क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है, उसका राइट साइड में जितना वो उनमें से बड़ा है। -5 is greater than -6, but -5 is less than -4. Okay? So when we move left to right, important things, when we move left to right on a number line, देखो ये जो होता है ये left side, this one right side, okay, right hand side, this one left hand side. So when we move left to right, तो left to right जो हम move करेंगे on a number line, the number will increase, मतलब ascending order आएगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा, एवरी स्टेप 1, 1, 1, 1 इंक्रीज होगा। ओके, सो दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, राइट टू लेफ्ट उसका अपोजिट मीन्स डिक्रीज होगा। ओके, सो नाउ वी नो अबाउट द रूल्स ऑफ इंटीजर्स। व्हेन वी ऐड सेम साइन ऑफ इंटीजर्स, सपोज लुक एट हियर द एग्जांपल, -3 and -4, okay, same sign, both are negative integers, -3 and -4, so we get -7, but we get same sign positive integer. Second example, dekho, 3 and 7, both are positive integer, then we get positive integer. Minus negative integer add karenge to humko milega negative, both are negative integer we add, then we get negative integer. Again positive integer add karenge to positive integer milega. Okay, suppose -1, again we add with -2, both are negative integer, then we get what? -3. Suppose we add 1 plus 2, both are positive integer, then we get 3. That means add negative integer, then we get negative integer, add positive integer, then we get positive integer. Same sign case में, देखो different sign में क्या होगा, different sign, देखो suppose -5 plus 9, okay, -5 and +9 हम add करना है, तो
देखो 9 दैट मींस 9 माइनस 5, 9 इज ग्रेटर देन माइनस 5, तो ये साइन आएगा पॉजिटिव 4। एंड देखो इसको ध्यान देना, ये दोनों में जो बड़ा है पहले नंबर का देखना है, साइन को भूल जाओ, नंबर देखो 5 एंड 9, 9 इज ग्रेटर देन, सो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। बट सेकेंड केस देखो माइनस 13 प्लस 8, बाद में साइन देखना 13, पहले कंपेयर करना 13 एंड 8, 13 बड़ा है, 13 माइनस 8 इक्वल टू 5, बट 13 साइन किया है नेगेटिव है, दैट मीन्स दैट इक्वल टू माइनस 5। ओके, सो डिफरेंट साइन होने से भी देखना है हमको नंबर कौन सा है बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा है या नेगेटिव साइन का बड़ा है। ओके सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एंड इंटीजर्स, वी नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज है, पहले हमको करना है क्लोजर। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टीज? क्लोजर प्रॉपर्टीज मीन्स वी टेक टू इंटीजर्स, सपोज एक्स एंड वाई, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंटीजर्स देन एक्स प्लस वाई ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, इफ एक्स प्लस वाई, वी टेक एग्जाम्पल, सपोज एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू माइनस 3, वन पॉजिटिव इंटीजर एंड अदर वन इज नेगेटिव इंटीजर, देन वी एड विथ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3, एड करें दैट इक्वल टू माइनस 1। ओके, सो 2 प्लस माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 मीन्स 2 इज एन इंटीजर, 2 बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स मतलब ये इंटीजर सिंबल होता है जेड, जैसे हमारा नेचुरल नंबर का एन होता है, होल नंबर का डब्ल्यू होता है, सिमिलरली इंटीजर्स को हम जेड लेते हैं। माइनस 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, अगेन ऑल्सो माइनस 1 बिलोंग्स टू जेड। ओके, दैट मीन्स माइनस 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टीज मीन्स इफ एक्स एंड वाई आर टू इंटीजर्स देन एक्स प्लस वाई ऑल्सो एन इंटीजर्स अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, सिमिलरली अंडर सब्ट्रैक्शन फिर हम प्रूव करेंगे। सपोज अगेन वी टेक अनदर एग्जाम्पल, सपोज एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू माइनस 7, सपोज इन द केस सब्ट्रैक्शन, सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स इज 5 माइनस y means minus 7, minus of minus 7, that means 5 minus of minus 7, means जब हम ब्रेकेट अपन कर देंगे हो जाएगा प्लस 7, that equal to 12. Also, 5 is 5 belongs to z, minus 7 also belongs to z, then 5 plus 7 जो what 12, 12 also belongs to z. Okay students, that means closure under subtraction in the case of integers. Okay, similarly also multiplication also we prove that. Again we take x equal to 7, y equal to minus 2, one is positive another one is negative, so x into y, so 7 into minus 2, we know that positive into negative kya hota hai, negative hota hai, that means minus 14, also this is an integer. Okay, that means closure under multiplication in the integer case. Okay, so students aaj itna karenge, next class again we do next topic. So